हेलो दोस्तों मैं आपका मित्र पवन सिंह रावत आज आपको लेके आया हूँ नागपाड़ पे यहाँ की सुंदर बकरियाँ दिखाने के लिए और आज हम ये बकरियाँ देखेंगे और इनके जो चरवाए होते हैं उनसे पूछेंगे कि आप इन बकरियों को क्या खिलाते हैं इनकी अच्छी सेहत के लिए और कितनी बजे बकरियों को खोलते ये कितनी बजे चराने लाते सभी जानकारी लेंगे हम तो चलो अभी आपको वीडियो से ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों तो हम छोटू जी के पास आए और अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये इनकी करंट लोकेशन जी अभी आप हम पे अभी कहा जी, जी गांव कौन सा है ये हाथी खेड़ा तो जी आप अभी यहाँ पे बकरिया चरा तो मतलब कि तो यहाँ पे भी बोल रहे पैंतर है जंगल में तो आपको डर नहीं लगता डर तो लगता है फिर भी क्या करे बकरी चढ़ानी पड़ती तो आप रोज आ तो डेली हाँ, का काम है हमारा डेली का काम है और जी अभी जो हमने वीडियो में जो बकरिया देखी वो सारी आपकी है हम दोनों की है सारी चालीस मेरी है तीस इसकी है अच्छा दोनों की मिला के सत्तर बकरिया है तो आप मतलब की आपका गुजारा हो जाता है इनमें से आप साल की कितनी इनकम बचा लेते तो आप मतलब की अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन तो लाख रुपए तो पड़ जाता है हमारा सारा खर्चा निकाल के अच्छा खर्चा सारा सारा खर्चा, खर्चा निकाल के दो तीन लाख रुपए तो बच जाते हैं अच्छा तो आपकी बकरियों के दूध कितना हो जाता है एक टाइम का एक डेढ़ लीटर हो जाता है एक डेढ़ लीटर एक टाइम का तो आप, आपकी मतलब की बढ़िया दूध उत्पादन के लिए आप अपनी बकरियों को क्या क्या खिलाते हो इसमें तो क्या है खड़ खिलाते हैं बाजरा खिलाते हैं का दलिया आता है वो खिलाते हैं तो आप ये मतलब की अभी सर्दी चल रही है तो सर्दी में मतलब जुकाम वकाम होता है बकरियों तो उनके लिए अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो आप घरेलू नुस्खों के अनुसार आप क्या देते हो उनको फिर जुकाम ठीक हो जाए उसमें क्या है उसमें तेल दे देते हैं हल्दी मिला देते हैं उसमें गर्म करके बकरी को पिला देते हैं अच्छा तो आप दूध कितने रुपये लीटर बेचते हो पचास और कहाँ पे बेचते हो या घर से लेके जाते फिर कहीं डेरी वेरी पे बेचते हो आप डेरी पे जाते डेयरी डेरी पे देते हो तो आप मतलब साल के कितने मतलब बकरिया कितनी बेच देते हो आप साल की बेच बेच देते हैं। जैसे... दस देते हैं हैं जैसे और किस किस रेंज तक बेचते हो आप बेच देते है इकट्ठी ले जाते है तो तीस चालीस सारी बकरियों में से कुछ हाड़ के ले जाते हैं तो पचास हजार अच्छा अच्छा एवर्ड की कुछ बेहतरीन बकरिया दिखाई है हमारे को जो हमारे व्यूवर को हम दिखा सकते हैं चलो बकरी देगी बहुत ही बेहतरीन बकरी तो हम इनसे पूछेंगे ये कितने दांत पे है भैया ये छह दांत पे, दाद पे। दाद इसके है इसके दाँत दिखाना जी बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश छह दांत है इसके जी अभी ये कितनी टाइम की बेहु है कितने टाइम पे आ गई ये फर्स्ट बार यही है अभी अभी फर्स्ट डे की भाई साहब आप देख सकते हो कितनी बड़ी बकरी है फर्स्ट टाइम बेही है तो मतलब कि बकरी को कितने महीने के होने के बाद क्रॉस कराना चाहिए क्रॉस कराती चाहिए अभी कितने बच्चे इसके दो बच्चे है इसके दो है अच्छा जी इसके जैसे ये या हाँ। है बच्चे। पीले है जी आप देख सकते हो बकरी स्पॉटेड इस्पोर्ट मतलब बकरी बिल्कुल लाल होने के बावजूद भी ब्रेडर का चेन इतना अच्छा करते हैं कि इनके बच्चे बिल्कुल मतलब कि जो प्योरिटी जो पीले रंग में होते बच्चे वैसे बच्चे होते हैं इनके जी ये देख सकते हो आप इनकी है की बकरियाँ कितनी खूबसूरत वाइट कान और लदख वाली बकरिया है बिल्कुल इनकी ये एक और ये एक और बकरिया बिल्कुल रेयर कलर में इनकी बकरिया दोनों ही बिल्कुल रेयर कलर में बहुत कम मिलती है तो इनके बारे में हम डिटेल पूछेंगे जी छोटू भाई ये बकरी किस पे अभी ये दूसरी भी आएगी तो इसकी मिल कैपेसिटी कितनी है एक टाइम की बढ़ेगी अच्छा तो ये फर्स्ट टाइम में कितने लेके आई थी देखिए भाई साहब आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम में दो बच्चे लेकर आने वाली बकरी बहुत कम मिलती है लेके तो आ जाती है लेकिन बहुत कम मिलती है अधिकतर तो ये ही लेकर आती है लेकिन इनकी बकरियों की खिलाई पिलाई कारण ये इनकी बकरियाँ दो बच्चे लेकर आती है